20 साल मुकम्मल होने की उस पर हम लोग अलग अलग जगहों पर ये सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं और दिल्ली में अक्टूबर में सेमिनार करेंगे, जहाँ पे जो है जो हिंदुस्तान में हालात है उन चीज़ों को जो है हाईलाइट कर कर उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाए। मेन पर्पस ऑफ दिस मीटिंग जो देशभर और या तेलंगाना आंध्र में कहीं भी हो, जैसे ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि जहाँ जहाँ पर सरकार के जो उसके पार्क पुलिस स्टेट एग्जीक्यूटिव जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, प्रधान इनका कर्तव्य है। सो इस चीज़ में अभी तक जो तेलंगाना राज को फॉर्म हो गया बाद ये 3 साल में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस स्टेट में हो रहा है, जैसे फेक इनकाउंटर्स, पालेर इनकाउंटर के विकार दिल्स के साथ जो दूसरे साथी लोग अंडर ट्रायल बिजनेस है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। उनके खानदान, उनके बच्चे, उनके फैमिलीज पूरे न्याय के लिए जुडिशरी के पास गए, अभी तक न्याय नहीं मिला। श्रुति विद्यासागर इनकाउंटर जो माओइस्ट थे वो भी है, ऐसे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन। आज सरकार जहाँ तक चलेगी कि इससे पहले हमारे साथी बोले कि आज जो प्रोटेस्ट करने के भी आज ये स्टेट स्पेस नहीं दे रहा, यू आर नॉट सपोज टू हैव इस प्रोटेस्ट। तो आज अगर अपने को कुछ दुखी है, अगर आप रोना चाहते हैं, जो वो जहाँ पर बोले वहाँ पर जाके रोना है, 100 किलोमीटर के बाहर रोना कहते हैं। ऐसी सरकार आज बनी हुई है, इस माहौल पूरा आज ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चल रहा है, सिर्फ इस वायलेशन के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे डेमोक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, मास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब भी हकों के लिए काम कर रहे हैं। जब तक हासिल होते जब तक ये लड़ाई जंग चलते रहेगी।